पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ फरमांदे ने छड़ दियो एदी जमानत मैं देना वा, ए अज तू बाद चोरी नहीं करेगा। बाबा जी चोर जमात अली शाह साहब दे सामने आ गया, आखन लगा सैयद ज़ादा है मेरिया जमानत ना दे, मैं चोरी छड़नी कोई नहीं, मैं डकैती छड़नी कोई नहीं, मैं बड़ा वड्डा चोर हां, मेरिया जमानत देन दी लोड़ नहीं, मैं चोरी छड़नी कोई नहीं। बाबा जी जमात अली शाह साहब वजद विच आ गए, फरमाया चलिया की समझना है तेरे सामने अज जमात अली खड़ा है, या तू चोरी छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ दिया, या तनु चोरी छड़नी पवेगी या जमात अली नु फकीरी छड़नी पवेगी। आओ अजीजा ने मन जुमले सुन जाया ने, जदों इन्नी गल कीती है सामने सपाही आ गए ने, आखन लगे बाबा जी जमानत देंदे हो? फरमाया हां जमानत देना वा, इनो छड़ दियो अज तू बाद चोरी नहीं करेगा। उन्हें हाथ खड़िया खोलिया ने, जमात अली शाह साहब दे नाल टुरी जा रहे आए, आखन लगा बाबा जी चोरी छुट्टी कोई नहीं, हे आदत बड़ी पुरानी पई हुई है। हजरा जुमले समाधि करे आ रहे, जदों पीर जमात अली दे नाल चला है ऐसी वलायत दी नजर पई है, सारी रात जमात अली दे पैरां विच बैठा रहा है, नाले रोंदा रहा है, नाले आंदा रहा बाबा जी माफी दे दिया जे अज तू बाद चोरी नहीं करा। जुमले समाधि करे आ रहे, अज तू बाद चोरी नहीं करांगा, अज तू बाद डकैती नहीं करांगा, बाबा जी माफी दे दिया रे। पीर जमात अली शाह साहब ने सीने लाया है, आखन लगा बाबा जी एक बारी मेरे वेड़े आ जाओ, मेरी किस्मत जगा जाओ, सैयद ज़ादे हो। पीर जमात अली शाह साहब ने सीने लाया है, सीने ला के उन्होंने नाल लै गए, ओदे वेड़े गए ने, अल्लाह अल्लाह दियां सदावां बुलंदियां हो गईयां ने, पूरे पिंड विच शोर पै गया है, हे जिहड़ा चोर जमात अली ने किस्मत बदली छड़ी है। जिस वली कामल का मैं जिक्र करना है ना, वह ना सुन के तुम सुबहान अल्लाह थोड़ी जुबान चु निकल आनी है। उस वली कामल सैयदजादा है, आले नबी है, उलादे अली है, नजफुल तरफैन है, इमामे हसन की लड़ी विचों भी है, इमामे हुसैन की लड़ी विचों भी, तो ना है पीर जमात अली शाह साहब। की उची बोलो यार, सुबहान अल्लाह, गज के बोलो सुबहान अल्लाह। पीर जमात अली शाह साहब अमीर मिलत जेड़े पिंड दे विच जिन्हां दा मजार दो ने ना, पीर जमात अली शाह साहब एक लसानी सरकार ने, एक अमीर मिलत ने जिन्हां नूं मुहद्दिस अलीपुरी विख्या जांदा है। यह गल समझो, जेड़े पिंड दे विच ने ना, पिंड दे विच पीर जमात अली शाह साहब उन्हां नूं अमीर मिलत किया जांदा है। ये पाकिस्तान बनन विच आपका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान बनने में आपका बड़ा किरदार है। आपकी मुलाकात हुई ने कायदे आजम नाल, अलामा इकबाल नाल आपकी मुलाकात हुई जी। एक गल समझो, हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने अलामा इकबाल और कायदे आजम ने मुलाकात कीतियां, मशवरे दिते। आपने कायदे आजम ने फरमाया भी जेड़ा मेरा काम सी ना, लोगों ने मेरे जिम्मे लाया सी, वो काम तू पिया करना है, ते घबराई ना सी तेरे नाल। पीर जमात अली शाह साहब ने कायदे आजम ने फरमाया, जो 1943 कायदे आजम ते हमला होया ना, आपने खत लिखिया, बकायदा खत लिखिया, खत लेके आपने फरमाया मैनू लोगों ने अमीरे मिलत बनाया सी, मिलत दा अमीर बनाया सी पाकिस्तान बनाने वास्ते, लेकिन जेड़ा काम मैं करना सी वो तू कायदे आजम पे करना है, ते घबराई ना, असां तेरी कंड नहीं लगन देनी। सुभान अल्लाह, असां तेरी कंड नहीं लगन देनी। ए हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप दे वालिद भी सैयद, आप दी वालदा भी सैयद आजादी, ए जुमले सुनियो। आप दे नाना बहुत वड्डी गल लिखदे ने, आप नूं लै के ना ए मीरपुर, मीरपुर मीरपुर दे नाल ही अगे एक इलाका है, ते आप दे नाना दा नाम सी सैयद मुहम्मद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप दे नाना आप नूं नाल लै के ना, ते आप दे कुछ मुरीद सन, मीरपुर तो अगे इलाका सी, उत्थे गए
आप छोटे सन पीर जमात अली शाह साहब ते नाना नाल लै गया चलो पैदल सफर है ते शुगलो शुगली नाल बच्चा वे भी नाल सैर कर लेगा। आप दे नाना ने ना पीर जमात अली शाह साहब नू अमीर मिल्लत मुहद्दिस अली पीरू नाल लिया ते चलदियां चलदियां आपने रस्ते विच बड़ी नाने की खिदमत की, पैर दबाने हाथ चुमने मत्था चुमना बड़ी खिदमत की। जदों बाबा जी उत्थे गए ना अमीरपुर तो अगे इलाका सी मुरीद सन, आप उत्थे गए ते आपने मरीदा के घर ठहरे तो एक दरवेश ना आप दे नाने नू मिलन आया सैयद मुहम्मद हुसैन मिलन आया। जो मिलन आया तो सैयद मुहम्मद हुसैन दे नाल ही पीर जमात अली शाह साहब भी बैठे सन, बिल्कुल बच्चे सन छोटी जी उम्र से। तो दरवेश ने ना सैयदजादे नू पुछया फरमाया सरकार सैयद हो ए जिहड़ा बच्चा नाल बैठा वे कौन है? दरवेश फकीर बोलिया ये बच्चा कौन है? जुमले समात फरमाया जे पीर जमात अली शाह साहब दे नाना जान कहन लगे मेरा दोतरा है। कौन है मेरा दोतरा है? कौन है मेरा दोतरा है? पीर जमात अली शाह साहब दे नाना सैयद मुहम्मद हुसैन फरमान लगे मेरा दोतरा है। ते लिखदे ने कि दरवेश उठिया उन्हें उठ के पीर जमात अली शाह साहब की पिछानी ते बोसा दिता। आए हाय हाय की दिता? बोसा दिता पिछानी ते बोसा दिता ते बोसे बोसा दे के ना आखन लगे सैयद मुहम्मद हुसैन ओ तन्नो मुबारक होवे तेरे दोतरे की पिछानी विचो मैनू वलायत दे आसार नजर आ रहे ने। बचपन में दरवेश फकीर ने कह छड़िया फरमाया मैनू आ जिहड़ा तेरा दोतरा ना जमात अली इहदी पिछानी विचो मैनू फकीरी नजर आ रही है, इहदे खानदान विचो मैनू फकीरी नजर आ रही है। बाबा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है किन्नी उम्र पाई है? 100 साल तो उत्ते उम्र सी जमात अली शाह साहब दी। आ गल समझो फिर इन्ना मकाम इन्ना मरतबा। आप एक दफा अपने मुरीद दे नाल ना शकरगढ़ दा इलाका शकरगढ़ दा उत्थे एक पिंड जा रहे सन अपने मुरीद दे घर, अंसारी मुरीद सी उहनूं मिलन वास्ते उहदे घर जा रहे, उह नाल लैके जा रहा सी। रस्ते विच जदों पहुंचे ना नारोवाल ते शकरगढ़ दे दरमियान इह जुमले सुणिओ ते बाबा जी की होया कि पुलिस वालिआं ने एक बंदे नूं फड़िआ हथकड़ियां लाईआं ते उहनूं लई जाण पिआ। ते पीर जमात अली शाह साहब पुलिस वाले नूं आंदे ने जरा रुक ते सही, उहनां कहा जी बाबा जी किन्नू फड़ी जांदे? उहने कहा हजूर डाकू है, बहुत वड्डा डाकू, बड़ी देर दा सी लभने पे सन, सानू लभदा नहीं सी, फड़िया नहीं सी जा रहा, हुण फड़िया वे ते हुण इहनू लैके जा रहा थाने। आए हाय हाय सैयदजादा सी ना फिर आले नबी सी औलादे अली सी। बाबा जुमले सुनिया जे हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमांदे ने लाजमी लैके जाना जे हजूर लैके जाना है। फरमाया जे मैं इहदी जमानत दियां ते छड़ दियोगे? उची बोले यार सुभान अल्लाह, अगर मैं जमानत दिया तो छड़ दोगे? इसे वास्ते खड़ी दे ताजीदार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। फिर रोमी कश्मीर बोले ने मियां साहब आंदे ने चंगियां दी ओए सोहे बत्तियारा थे जिमें दुकान अखारा सौदा पावे मुले ना लिए ते हुले आण हजारा। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ फरमांदे ने छड़ दियो एदी जमानत मैं देना वा, ए अज तू बाद चोरी नहीं करेगा। बाबा जी चोर जमात अली शाह साहब दे सामने आ गया, आखन लगा सैयदजादा है मेरिया जमानत ना दे, मैं चोरी छड़नी कोई नहीं, मैं डकैती छड़नी कोई नहीं, मैं बड़ा वड्डा चोरा मेरिया जमानत देन दी लोड़ नहीं, मैं चोरी छड़नी कोई नहीं। बाबा जी जमात अली शाह साहब अजल विच आ गए ने फरमाया चलिया की समझना है तेरे सामने अज जमात अली खड़ा है, या तू चोरी छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ दिया, या तनु चोरी छड़नी पवेगी या जमात अली नु फकीरी छड़नी पवेगी। आओ अजीजा ने मन जुमले सुन जाया रे जदों इन्नी गल की थी है
सामने सपाई आ गए ने, आखन लगे बाबा जी जमानत दें दे। फरमाया हां जमानत देना वा, इनू छड दियो, अज तू बाद चोरी नहीं करेगा। उन्हें हाथ खड़िया खोलिया ने, जमात अली शाह साहब के नाल टुरी जा रहे हैं। आखन लगा बाबा जी चोरी छुट्टी कोई नहीं, ये आदत बड़ी पुरानी पई हुई है। हजरात जुमले समाधि करे आ रहे, जदों पीर जमात अली दे नाल चला है, ऐसी वलायत दी नजर पई है, सारी रात जमात अली दे पैरां विच बैठा रहा है, नाले रोंदा रहा है, नाले आंदा रहा बाबा जी माफी दे दिया जे, अज तू बाद चोरी नहीं करा। जुमले समाधि करे आ रहे, अज तू बाद चोरी नहीं करांगा, अज तू बाद डकैती नहीं करांगा, बाबा जी माफी दे दिया रे। पीर जमात अली शाह साहब ने सीने लाया है, आखन लगा बाबा जी एक बारी मेरे वेड़े आ जाओ, मेरी किस्मत जगा जाओ, सैयद ज़ादे हो। पीर जमात अली शाह साहब ने सीने लाया है, सीने ला के उन्होंने नाल लै गए, ओदे वेड़े गए ने। अल्लाह अल्लाह दियां सदावां बुलंदियां हो गईयां ने, पूरे पिंड विच शोर पै गया है, जेड़ा चोर जमात अली ने किस्मत बदली छड़ी है। इसे वास्ते गली गली गूंजे गूंजे नगर नगर एहो नारा ला के सुल्तानी कह रहा है, ओ चोरा तो कुत्ते बे बना जानदा है, ओ चोरा थी कुत्ते बे जानदा। तवज्जो करे अज तवज्जो, पीर जमात अली शाह साहब की एक नजर पई, चोरी छुट गई, चोरी छुट गई, ते चोर कहंदा है ओ चोरा थी कुतब बना जानदा, ओ दिली उजीड़ियानो वसा जानदा है, ओ चोरा थी कुतब बना जानदा है, ओ उजीड़े दिलानो वसा जा। अज पीर जमात अली शाह साहब का ना किताबा अंदर मौजूद है, जिन्हों पुछो यो भी जानता है, लाहौर की सरजमीन चले जाओ उथे भी जमात अली है, कसूर की सरजमीन ते चले जाओ उथे भी जमात अली है। नारोवाल का सैयद दस गया है, मेरा नाम ही जमात अली है, पिंड का नाम ही अलीपुर सैयदा। पीर जमात अली शाह साहब इधर वेखो, चंद बंदे मुनाजरा करना है ना पीर जमात अली शाह साहब, आखे लगे जी तुहाडे नाल मुनाजरा करना, आपने फिर मैं पहला रोटी खाओ, इधर तवज्जो करो जी, गल समझो, साडे घर कोई लड़ाई लैन आवे ते आखे बाहर निकल तैनू पुछना वा, तगू को कहंदा यार आ पहला रोटी खा, सिर्फ तकरीर असी सुन तक रखिया ने, अमल शमल असी कोई नहीं करना, भी वलिया की गल्ला सुनाई जाओ, असी सुनिए इतों कड़ीए तो उधर कट दई, सुन के कट दो, नहीं अमल की जरूरत है। तुहाडे वेड़े कोई तुहानू मारन आया, तुसी की कहंदे पे यार रोटी खा पानी पी, हो सकता इन्ने विच उहदा अगले का गुस्सा ठंडा हो जाए, असी आने तेरी असी दी तां असी, मैं वेहना तू की करना मेरे नाल, सिर्फ ना दे मुसलमान साडे अंदर वो चीज़ा कोई नहीं, जे मैं गल सच्ची पे करना, मुनाजरा करना आए ने पीर जमात अली शाह साहब के डेरे ते अलीपुर सईदा शरीफ, आखन लगे जनाब तुहाडे नाल गल करनी है, सवाल पूछने ने तुहानू, आपने फरमाया पहला रोटी खाओ, ये फकीर दे काम ने, हर बंदे दे काम ने, फरमाया पहला रोटी खाओ, और नहीं जी सानू नहीं भुख, असीं नहीं रोटी खांदे दरबारां दी, आपने फरमाया थोड़ा जिहा लुकमा ही लाओ, मेहमान हो खाली ते ना जाओ, ते फिर फरमाया खत्म शतम नहीं पढ़े हों जी, मुहब्बत वेखो खा लो, रोटी खा ली, पानी दिता, आराम ना बैठे, आराम करो जी, सराने आ गए, आराम करन लग पे, अच्छा जी जेड़ा काम असीं आए वो करो जी। पीर जमात अली शाह साहब फरमाते ने पुछो की पुछना जे, आखे लगे जनाब वेखो असीं अठ दस बंदे आए हैं, जमात पूरी आए हैं, पूरे बंदे आए हैं,
तो तुसी भी कोई मौलवी शोलवी बुला लो, कोई अपने कोई मसलक दा कोई बंदा वड्डा कोई मुफ्ती कोई बुला लो जिहदे नाल गल करनी। आपने फरमाया तुहानूं पता नहीं मेरा नाम की है? उची बोलो जिन्हें समझ आई है मेरा नाम की है। उन्हें कहा जी जमात अली। आपने फरमाया मैं कल्ला ही अली दी जमात हाँ, मैं कल्ला ही तुहाडे वास्ते काफी हां। पूछो तो सही बाबा एक गल दा जवाब इधर सुनो, जरूरत ही नहीं पई अगे सवाल करन दी। फरमाया मैं अली दी जमात हाँ ते पिंड दा नाम ही अलीपुर। किन्नी मोहब्बत होवेगी मौला अली नाल पीर जमात अली शाह साहब दी रहमतुल्लाह अलैह दी। तवज्जो फरमाया जाए। आप लाहौर गए तो अलामा इकबाल नूं पता लगा कि पीर जमात अली शाह साहब लाहौर आए ने ते आप मिलन गए। इधर तवज्जो फरमाया ते पीर जमात अली शाह साहब कुर्सी ते बैठे ने ते अलामा इकबाल पैरां च बैठा है। तुहानूं की पता वे बाबा जी पीर जमात अली शाह साहब किस हस्ती का नाम है? अलामा इकबाल, डॉक्टर अलामा इकबाल, फनाफिर रसूल, आशिक रसूल, इंज तहियात विच ना सामने बैठे ते आप फरमांदे ने डॉक्टर साहब उत्थे आ जाओ। नहीं हजूर इत्थे चंगा वा, क्या बात है। तवज्जो फरमाया जे, इंज अदब कीता, इंज एहतराम कीता। हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने बड़ा पैसा दिता बाबा जी ते पाकिस्तान बनन दी तहरीक। आपने बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी मुशक्कत, ऐ जुमले समाज फरमाया जाए। गल बड़ी वड्डी है। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 105 साल उम्र सी जदों आप हज करन जा रहे हैं। किन्नी उम्र सी उची बोलो? 105 साल उम्र सी। ते ऐ उदों ऐ जहाज कोई नहीं सन उड्डण वाले, ओ बहरी जहाजां विच जांदे सन समुंदरी रस्ते ना हज करन। 105 साल उम्र ते आप हज ते जा रहे। गल सुनियो, बड़ा लुत्फ आवेगा, ईमान ताजा होवेगा। जदों जा रहे ना हज करन बाबा जी ते ओ जहाज विच बैठे ते जहाज दी रफ्तार जदों जा रहा सी ना बाबा जी ते रस्ते विच जिहड़ा सी ना कैप्टन जहाज दा, उन्हें कहा वे सारे कलमा पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो कि जहाज जिहड़ा ना वो गोलचेरी दे विच आ गया ते नुकसान हो सकता जहाज नूं वी ते बंदियां नूं वी। सारे परेशान हो गए जहाज वाले। किसी ने कैप्टन नूं दस्या कि इस जहाज विच एक सैयद ज़्यादा भी मौजूद है, एक सैयद ज़्यादा भी मौजूद है जिहदा नाम पीर जमात अली शाह साहब नारोवाल दी सरजमीन तो एक सैयद आया उहदे कोल दुआ करो, हो सकता बेड़ा पार हो जाए। बाबा जी जुमले सुनिया जे। बाबा जी जदों कैप्टन दौड़दा दौड़दा आया है, उन्हें वेखिया 105 साल का बाबा है, चिट्टी दाड़ी है, हाथ विच तस्वीर है, अल्लाह अल्लाह पिया करदा है। पीर हैदर शाह साहब, पीर जमात अली शाह दियां लत्तां पे दबांदे ने, लत्तां पे कुड़दे ने। कैप्टन आ के आखन लगा बाबा जी मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, जहाज डुबदा पिया है। रब्बे काबा दी कसम है, बाबा जुमले सुन जाया रे। पीर जमात अली शाह साहब ने तस्बीह उठाई है, फरमाया घबराई ना, 105 साल हो गए ने, अल्लाह अल्लाह करदा रहा, अल्लाह अल्लाह करदा रहा। अल्लाह का कुरान ईलान फरमा रहा है, फज कुरूनी अज कुरकम, जड़ा मैनू याद करदा है मैं ओनू याद करना वा। फरमाया कैप्टना घबराई ना, जे मैं ओनू याद करदा रहा वा, फिर अल्लाह अज भी नाल है, अल्लाह कल भी नाल है, अल्लाह अज भी नाल है, अल्लाह कल भी नाल है। बाबा जी वेखिया जहाज अपने रस्ते ते पै गया है, पता लग गया जड़ा अल्लाह दा वली है, जड़ा अल्लाह दा दरवेश है, ओदी दुआ अल्लाह कबूल कर लैंदा है। ओदी नजर विच कमाल है, ओदी जुबान विच कमाल है, ओदे हाथ विच कमाल है। ओ जड़ा वली दुआ करदा है, अल्लाह उसे वेले कबूल कर लैंदा है। ते जमात अली शाह साहब दस गए ने, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, ओए अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे,
पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने पहुंच गए ने। जो यार दी नगरी आई है, जो मदीना शरीफ आया है, जमात अली शाह साहब ने जुतियां ला लिया ने, मुरीदा ने जुतियां ला लिया ने। हजूर नंगी पैरी फरमाया नंगी पैरी हजूर वजह की है, फरमाया जे कलियां आवें कलियां नहीं, इत्थे जमात अली दा नाना टुरदा रहा, इत्थे जमात अली दा नाना जसम जावे, जमात अली दा नाना चलदा रहा है, इत्थे जमात अली दा नाना टुरदा रहा है। आओ मुसलमान भाइयों मैं गल सुना देन लगा, जुमले जाया ना कर जाया रे। पीर जमात अली शाह साहब नाल टुरदे जा रहे, मुरीद ने पीछे डंडा फड़िया है, मदीने दी गली है सामने वेखिया ते कुत्ता आ रहा है, मुरीद कुल बर्दाश्त नहीं होया, उन्हें कुत्ते दी लत ते डंडा मारिया, जख्म बन गया, कुत्ता चीकता दौड़िया है। जमात अली शाह साहब पीछे पे दौड़ गए ने, आंदे ने कुत्तिया रुक जा, ओए सैयद ज़ादा तेरे पीछे पे दौड़दा है, ओए अलीपुर दा ताजदार तेरे पीछे पे दौड़दा है। हजरात कुत्ते ने बाबा जी जुमले सुनिया ने, जाके कुत्ते नु फड़िया है, अपनी पगड़ी लाई है, पगड़ी ला के ओदे पैरां ते पट्टी पे कर दे ने, नाले रोई जा रहे ने। आंदे ने मदीने दे कुत्तिया जमात अली नु माफी दे दई, ए मेरे मुरीद नु नहीं पता तेरी शान की है, तू यार दी गली दा कुत्ता है, तू मदीना शरीफ दा कुत्ता है, किते मेरी शिकायत मेरे नाने अगे ना ला दई। जमात अली रोई जा रहे ने, मुरीदा ने हाथ जोड़े ने, हर्ज कीती सैयद यो के जनाबे जहरा दी औलाद आ गए, जनाबे अली दा पुत्तर आ गए, हांजी इंजी पे रोंदे ओ, फरमाया तुहानू नहीं पता ए मदीना नगरी ऐसी नगरी है, इस मदीने दियां कुत्तियां नू जमात अली दा सलाम है, ए मदीने दियां कुत्तियां दे पैर चुमना वा, हाना जमात अली तेरे नालू मदीने दे कुत्ते चंगे ने, जिहड़े यार दी नगरी विच चौबी घंटे रहंदे ने, जिहड़े यार दी नगरी विच चलदे रहंदे ने। हज़रात जुमले समाप्त करिया रे, अल्लाह दी कसम अल्लाह दा कुरान कह रहा है, इन्हां वलियां दे बूहे ते आला ओए असहाबे काफ दे बूहे ते जे कुत्ता 300 साल बह सकता है, अल्लाह ने फरमाया सी तैनूं जहन्नम नहीं देंगे, तैनूं जन्नत देंगे, या अल्लाह वजह की है, फरमाया ए कोई आम कुत्ता नहीं, ये मेरे वलियां दे बूहे दा कुत्ता है, जड़ा वली दे बूहे ते बह जाए अल्लाह कुत्ते नूं जन्नत देंदा है। ते जे मुहम्मद दा उम्मती हो गए, जमात अली दा मुरीद होवे, दादा अली हजवेरी दा मुरीद होवे, बाबा फरीद दा मुरीद होवे। आओ हजरा जुमने सुनिया रे, अल्लाह दी कसम उठा के आना वा, मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है, आ फरमांदे ने वली अल्लाह दे ओए मरदे नहीं, ते कर दे परदा पोशी, हे वलियां दे तवारे ओते अज वी दी पले दे। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया नू दस गए ने, है जेड़ा जमात अली दा है ओ मौला अली दा है, जेड़ा मौला अली दा है ओ कमली वाले दा है, जेड़ा 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 पीर जमात अली शाह साहब दा क्या बात है आपकी बाबा जी। जमात अली पीर सैयद जमात अली शाह साहब केड़ा केड़ा गया उत्थे आ चुको हाँ, जेड़ा नहीं गया वो भी जाके वेखो, उत्थे मच्छी दे कंडे दा शतीड़ पिया जे
जरा सोचो कितों आया जी, मच्छी के कंडे का, वो कि वड्डी मच्छी होएगी जिदे कंडे का बाबा जी 30 रुपया उत्थे और दुनिया वेखन जाती है और आज भी मौजूद है। ये हज़रत आले नबी उलादे अली पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दी मस्जिद के अंदर बाबा जी मस्जिद एक मैं वो वेख के आया एक नुक्कर दे उत्ते ना वो 30 रुपया होया मच्छी के कंडे का। बड़ी शान है सजदा की अलीपुर सजदा वालियां की, अज भी मकाम है अज भी मरतबा। एक दिन आप अपनी दादी दे कोल बैठे सन, किदे कोल? अपनी दादी जान दे कोल, पीर जमात अली शाह साहब छोटे सन ना बच्चे सन, कोल बैठे तो गल्लां होण लग पईआं ते आप अपनी दादी नूं फरमांदे ने, दादी जी अज मेरा दिल करदा कोई मिठी चीज़ पकाओ, कोई मिठी चीज़। अपनी दादी ने बड़ा लाड करदे सन, दादी भी बड़ा प्यार करदी सी हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नाल। गल समझो, अज मेरा दिल करदा है कि मैनू कोई मिठी चीज़ पका के दिओ। दादी ने कहा ठीक है पुत्र। आपने बाबा जी खीर पका के ना तो पीर जमात अली शाह साहब ने दी, तो आप जो खीर खाधी ना तो आप फरमान लगे दादी जी थोड़े ना एक गल ना खोला, थोड़े ना एक गल ना खोला। दादी कहन लगी, गल समझो, दादी कहन लगी खोलो, ये सीरत पीर जमात अली शाह साहब की किताब लिखी हुई है मौजूद, वो अंदर सारिया करामत आप दी मौजूद ने, लाहौर की छपी हुई किताब है। जो इन्नी गल की ना हाय हाय हाय, फिर अगे भी पीर जमात अली से तो वली वली हों, माँ की गोद में भी वली हों ना बाबा जी, वली तो वली है। आप कह लगे दादी जी पता जे 12 साल पिछे जाओ तो तुसी सब्जी कटन लगे सो तो तुहानू छुरी नहीं सी लभदी पई। ए तो जुमले सुनियो, तो हज़रत पीर जमात अली शाह साहब बाबा जी 1.5 साल के दरम्यान आपकी उम्र से उस वे तो माँ की गोद वे सन, दादी जी तुहानू छुरी नहीं सी लभदी पई। दादी ने सोचा हाँ गल तो तू ठीक कह रहे हैं, तो पीर जमात अली शाह साहब फरमाते हैं दादी मैं बोलन लगा सा उत्तू किसी ने मुँह अगे हाथ रख छड़िया जमात अली इंज राज नहीं खोली दे, आए हाए इंज राज इंज राज इंज राज नहीं खोली दे। थाइयों तो मैं आना वा अमला वाले होए लगे लगी जांदे पे अमले गोते खांदे हैं टुपन नी दें दे मोहम्मद बख्शा के कामिल वीर जिना दे टुपन नी दें दे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून टुकनी दें मोहम्मद बख्शा के कामिल वीर जिना दे टुकनी दें। बाबा जी कौन पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बच्चा कोल आया, मां बच्चे नूं लै के आ गई, आखन लगी सरकार बच्चा बड़ा बदतमीज है बच्चा बड़ा नाफरमान है। आपने बच्चे नूं गोद विच बिठाया है, बच्चे दे पसीना बाबा जी छुट गया है, जमात अली पसीना साफ कर दे ने नल पिछानी ते बोसा दे के आंदे ने ओए सजदां दे मुरीदों के कम शैताना वाले नहीं करी दे, तुसी सजदां दे मरीद हो तुसी अलीपुरियां दे मरीद हो। बाबा जी बच्चा पैरां विच डिग पिया है, पैर चुम के आंदा है, सरकार माफी दे दिया जे अज तू बाद या जमात अली होवेगा या अरशां वाला रब होवेगा जमात अली होवेगा या अर्श वाला रब वाला। उत्थे तकदीर बदल छड़ी, नज़र पा के फरमाया साढ़े मुरीद हो गए जिदे काम करते। आपने बेनमाजियां नूं नमाजी बनाया, आप खुद भी हाफिज़े कुरान सन और मुहद्दिस सन, पढ़े लिखे बंदे सन, मुहद्दिस अलीपुरी किया जाता आप। 2 लख हदीस आप जुबानी याद से उन्होंने मुहद्दिस आते हैं।
تے صرف زبانی یاد نہ ہوئے ہوئے تے مہارت بھی ہوئے ہوئے متن دا بھی پتا ہوئے اسماء و رجال دا بھی پتا ہوئے کہ کتھو حدیث ٹوری ہے کمیں ٹوری ہے دے وچ کڑے کڑے راوی نے ان محدث کیا جاندہ ہے عام گال نہیں اے گال سمجھو لاہور تو اگے ایک علاقہ قصور بابا جی ادو پاکستان تے ہندوستان کٹھا ہی سی برے صغیر سی ادو تے ونڈ ہوئی کوئی نہیں سی نا ادو کی گل سنا رہا ہوں قصور دے نال ہی اگے بارڈر لگتا ہے تو بارڈر تو پرلے پاسے انڈیا والے پاسے ایک پنڈ ہے تے پنڈ دا نام سی ترنگ تارا اج بھی وہ پنڈ موجود ہے قصور دا جڑا بارڈر لگتا ہے نا بارڈر دے نال ہی بارڈر دے اتنے ہی وہ پنڈ ہے ترنگ تارا وہ سارا ہندوؤں دا پنڈ سی اس پنڈ وچ نا ایک ایسا بھی آیا سی جڑا پیر جماعت علی شاہ صاحب دا مرید سی ایک ہی کار مسلمانوں دا ایک ہی کار جملے سنو گل بڑی بڑی جی تو وہ نہ ملن واسطے آیا ایتھے علی پور اتوں پاکستان تے ہندوستان کٹھا ہی سی ادو وہ لاہور آیا لاہور ناروال آیا اے گل بڑی مزیدار ایمان تازہ ہو جائے کہ جملے سنو وہ علی پور سجدہ آ گیا دو چار دن رہا جاندیا انہیں عرضی پیش کی حضور اگر مہربانی کرو تو ساڈے پنڈ ایک چکر لاؤ کی کرو ساڈے پنڈ بولو بولو ساڈے پنڈ ایک چکر لاؤ ہو سکتا تسی قدم رنجا رکھو تو تہاڈیاں برکتاں نال کوئی کایا پلٹ جائے لوکاں دی سارے ہندو نے میں کلا ہی مسلمان اوتھے آپ نے فرمایا چل تیرے نال وعدہ کرنے اسی آواں گے اسی اچھی بولو اسی پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمانا کہ تو جا اسی آواں گے اچھا ٹھیک ہے بابا جی چند دن گزرے تھے فقیر دی موج ہے نہ درویش دی موج ہے آج بھی تسی مزار تے جاؤ تو انہوں سکون ملے گا پیر جماعت علی شاہ صاحب دے مزار تے جاؤ نا سکون ملے گا اطمینان ملے گا درویش سی موج بن گئے نے جدوں آپ بابا جی دو چار مریداں نال لیا لو ٹر گئے لاہور آپ دے بڑے مرید نے بابا جی آج بھی بڑے مرید میں تقریر کرن گیا دو تین جگہ تے تے مینوں اتھے انہاں دسیا وی اسی علی پور سجدہ والے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے مرید ہاں تو کہنا تین نسلوں تو چلتے آ رہے ہیں صرف ہوں نہیں ساڈا باپ دا پھر باپ ساڈا دادا اتنے مرید سی تے اسی وی انہاں دے مرید ہاں بابا جی گل سمجھو سکے پیو دی قبر تے کوئی نہیں جاندا تے لوگ ایڈی ایڈی دور ولیاں دی قبر تے آ رہے ہیں ویکھو نا گل سمجھو وہ کہن لگے اسی انہاں دے مرید ہاں دو تین جگہ تے میں گیا مینوں اجے وی انہاں دے نام یاد نے اے جملے سنیو میں کہ خوش نصیب نے ناروال دی سرزمین والے سیالکوٹ والے جنہاں دے کول ایڈا وڈا دریا پیا وسدا ہے سید دریا پہ وسدا ہے اے جملے سنیو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مرید نال لے لو ٹر گئے اتھے آپ نے رات رہنی سی تے رات اگے جانا سی تو مریداں نے عرض کی تھی حضور ایتھے رہنا جی یا اگے کتلے جان دا ارادہ آپ نے فرمایا میں تارنگ تارا جانا ہے قصور تو اگے انہیں جدو نہ سنیا انہیں کیا حضور اتھے کی لین جانا جی اتھے تو سارے ہندو نے سارے کافر نے سارے دشمن نے دین دے اسلام دے آپ نے فرمایا تائیوں تے جانا ہے سبحان اللہ تائیوں تے فقیر دی گل ہے درویش دی گل ہے آپ فرما لگے تائیوں تے جانا ہے انہاں کہا بابا جی پھر انج کرو حضور جے تسی جانا ہے نا پھر اساں وی تہاڈے نال جانا ہے تہانوں کلیاں نہیں جان دینا ایویں کوئی تہانوں نقصان دے تے اسی برداشت نہیں کر سکدے ساڈے پیر ہو مرشد ہو ساڈے رہبر ہو اسی انج نہیں جان دینا آپ مسکرا کے آکھن لگے چلو اگر یہ گل نہ دس دے تو ہو سکدا تہانوں لے جاندا ہون نہیں کھڑنا فقیر دا اپنا بابا جی کو معیار ہے کوئی اپنی قوت طاقت ہے ایویں اللہ نے فرمایا جڑا درویش ہے اودی اکھ وچ میری اکھ ہے اودے ویکھن وچ میرا ویکھن اودے بولن وچ میرا بولن فرمایا ہن دسیا جے نا دشمن نے ہن نہیں تونوں نال لے جان حضور مہربانی کرو چھڈ کے نہیں نہیں ہن نہیں جانا بابا جی جڑے ایتھے مرید دو تین لے سن انہاں نال لیا پہنچ کے اوتھے مرید نو پتہ لگا بڑا چاہ کیتا اللہ بستر وچھائے اللہ کھانا پکایا کہ میرے پیر ناروال تو سرکار علی پور سجدہ تو آئے نے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر جماعت علی فرماندے نے اج رات نو جلسہ رکھ محفل رکھ انہیں کہا حضور ہونا ہی کسی نے میں کلا ہی جاؤں سارے ہندو نے آپ فرماندے نے کوئی بھی نہ آیا سا پھر بھی کام کر جانا ہے آئے ہائے ہائے اوئے کوئی بھی نہ آوے پھر بھی جماعت علی شاہ صاحب دی نظر کم کر جاوے گی جلسہ کرا بابا جی جملے سنے جدوں رات آ ویلا ہویا اے تارنگ تارا اندر جلسہ سجیا اے
मसनत सैयद दादा बैठा है ना पीर जमात अली शाह साहब अपने नाने दियां गल्लां सुनाई जा रहे ने अपने दीन दियां गल्लां सुनाई जा रहे ने इस्लाम दियां गल्लां करी जा रहे ने बाबा जी पूरे पिंड दा लंबरदार हिंदुआं दा लंबरदार ओदे कन विच आवाज आई है उन्हें आखिया मैं सुनिया है कोई नारोवाल दा बाबा आया है चल अंदर नहीं जांदा है बारों वेख के ओ नाम आए ओदी सूरत किस तरह दी हजरा जुमने समाध कर जो पीर जमात अली शाह साहब बाबा जी बयान कर रहे ने अगे मुसलमान का बच्चे बैठे ने बीवी बैठी है आप ही बैठा है जो लंबड़ेदार की नजर पई है ओदे अंदर दी कालफ तुल गई है अंदरों आवाज आती है ओए हिंदुआ लगता है बाबा बड़ा पहुंचिया होया लगता है दरवेश बड़ा पहुंचा होया है बड़ा आला है आखन लगाए जी करना वा जदू सुबह दिन चढ़ेगा मैं आके कुछ गल्ला करा बाबा जी हिंदू लंबरदार आया मुसलमाना दे घर आ गया आखन लगा बाबा ना की है फरमाया ना जमात ली है आया कितों है फरमान लगे नारोवाल दी सरजमीन विचों आया वा पिंड दा ना अलीपुर आखन लगा बाबा ए की आंदा रिहा है पीर जमात अली शाह साहब फरमा दे पिंड दिया लंबड़दारा कलमा पढ़ ले जमात अली वादा कर दे तनु जहन्नम दी आगे छू सकती कोई नहीं जहन्नम दी अग छो सकती कोई नहीं बाबा जी ओ पैरां विच डिग पिया है नाले हाथ पनी जा रहा है नाले कई जा रहा है पढ़ो ला मिलके सारे कलमे दा वीरत करो यार ला मेरे सैयद ने कलमा पढ़ाया कलमा पढ़ा किया आपने फरमाया जा मौजा कर जहन्नम दी अग नहीं लगेगी बाबा जी जमात अली वापस अलीपुर आ गए ने दो साल गुजरे ने लंबड़दार बीमार हो गया अपने बच्चियां नु जमा कर लिया आखन लगा पुत्रो थोड़ा अब्बा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है मेरे नाल वादा करो मैनू साड़ियो ना मैनू जदो मैं मेरी रूह निकले जदो मैं मर जावा जदो मैं मुक जावा मेरी मैयत मुसलमाना दे हवाले कर छड़िया रे उन्हें आखिया अब्बा जी ठीक है बाबा जी बाप मुक गया है पुत्र रखन लगे मुसलमाना दे हवाले नहीं करना साड़ी नक नहीं रहनी साड़ी इज्जत नहीं रहनी साड़ा पिंड विच वकार नहीं रहना उन्हें आखना लंबड़दार कलमा पड़ गया है मुसलमान हो गया है उन्हें चोरी चोरी बाबा जी जिथे अग जलाई जाती है मड़िया विच लै गए ने मड़िया विच जा गए लकड़ियां थले सजा लिया ने उत्ते मुसलमान लंबड़दार नू लटाया है फिर उत्ते लकड़ियां सजाइया ने अग लांदे ने लगदी कोई नहीं अग लांदे ने लगदी कोई नहीं एक पुत्र आखन लगा जरा होर तेल लैके आवो लगदा तेल थोड़ा है बाबा जी तेल लैके आए ने लकड़ियां दे तेल बहा छड़े आए तीली लांदे ने अग लगदी नहीं उत्तों आवाज आई है ओए हिंदुओ इन्हें सड़ना कोई नहीं इन्हें हाथ जमात अली दे हाथ विच दे छड़िया
इन्हें सड़ना कोई नहीं, इन्हें सड़ना कोई नहीं, साडे वली दे हाथ विच हाथ आया है, इन्हें सैयद दे हाथ विच हाथ किते ने। बाबा जी जुमले सुने आने ओना पियो दी मैयत चुकी है, चुक के सैड ते रखी अग लाई लग गई है। बाबा जुमले सुने आने जदों अग लगन लगी है, अपने पियो नु चुक के फिर लकड़ी ते रखन लगे ने। अंदरों आवाज आई है, निकमियों इंज ना करो, मैं सड़ना कोई नहीं, मेरा पीर बुला लो, मेरा जमात अली लायो, अलीपुर दा सैयद लायो, मैं नहीं सड़ सकता, मैनू अग नहीं लग सकती। सियाली कोठियो जुमले सुने आने जदों इन्नी गल कीती है, इत्थों खबर पहुंचदी पहुंचदी जमात अली शाह साहब तक आई है। तीन दिन मैयत पई रही है, तीन दिन मैयत पई रही, जमात अली गए ने, जमात अली शाह साहब ने फरमाया, ओ हिंदुओ की समझदे ए लावारस नहीं, ए साडा है, ए साडा है, ते जेड़ा साडा हो जाए ओनू अगां लगी दिया कोई, जेड़ा साडा हो जाए ओनू अग छो नहीं सकदी, ओनू अग ओदा वाल नहीं साड़ सकदी। जमात अली शाह साहब ने गुसल दिता, कफन दिता, कफन दे के जनाजा पड़िया, जो जनाजे ते सलाम फेरिया है, बाबा जी पूरा पिंड जमात अली दे पिछे खलोता है, सारे हाथ बन के आखन लगे, बाबा जे इनू बचाया आई फिर सानू भी बचा। जे इनू इनू बचाया जे सानू भी इंज बचा सकदे, आपने फरमाया क्यों नहीं बचा सकदे। सारे हजरत पीर जमात अली शाह साहब के हाथ विच हाथ दिते, कलमा पड़ गया। आंदे ने वलियां कीता की है, ते मैं क्या जेडे मुसलमान कीते ने तेरे अबे ने कीते ने, वलियां कीते ने, ये वलियां कीते ने। दाता अली हजवेरी ने आके लाहौर वाले नू दसिया, वो अल्लाह जे ये बाबा फरीद ने पाक पतन वाले नू आके दसिया, साढ़े जेड़े वड़े वडेरे ने ना कलमा कितों पढ़े, बोलो ये वलिया आके पढ़ा के गए ने। हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दसे, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है बाबा, वली ओवे वली, फिर ओ वली ओवे जेड़ा कुरान जिन्हों वली कह रहा है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून। जेड़ा वली ओवे फरमाया इन्हें नहीं जे सड़ना, बाबा जी कीता की जे फरमाया, असां की करना उन्हें करना, असा की करना है उन्हें करना है, इन्हें नहीं सड़ना। आपने जाके बाबा जी गुसल दिता, कफन दिता, जनाजा पड़िया, कबर च रखिया, तो पिंड वाले आंदे ने जो कबर च रखिया तो कबर च खुशबू आने लग पी। बाबा जी तीन दिन बाड़ी पई रवे मैयत, तीन दिन पई रवे खुशबू आती है कि बो आती है, इतने एक दिन पई रवे तो बंदे आंदे नहीं यार कैंसर है, तो पेट ना फट जाए, इन्हें जल्दी जल्दी लै जाओ। खुशबूवान उन्हों की मैयत भी आदि ने जिन्हें कुछ किया, दूसर नु तो दो घंटे नहीं घर लोग रख दे, दुआ करो अल्लाह इंज की मौत दे, बोलो आमीन। अल्लाह इंज की मौत दे, साडे जिस्म विच बो ना आवे, खुशबू आवे, साडी मैयत विच साडी कब्र विच, अल्लाह करे, अल्लाह दा नबी करे। पीर जमात अली शाह साहब पूरी दुनिया नु दस गए, आपने तौहीद दा दर्श दिता, आपने लोगों नु अल्लाह दी तरफ लैके आए। जेड़ा मुरीद हुंदा सी आप कहंदे सन नमाज पढ़नी है, की करना है, नमाज पढ़नी आ, नमाज पढ़नी आ, अल्लाह की गल मननी, अल्लाह के रसूल की गल मननी है। किसी ने यह नहीं कहा वे असी थोड़े सेदियां पढ़ लिया ने, तुसी ना पढ़े हो असी पढ़ छड़िया ने। अजकल आए ना मार्केट में नवे पीर, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया के ऐसे पीर आए ना जेडे कहते ने नमाज नमूज की कोई कोई गल नहीं, असी पढ़ लिया ने तुहाड़ियां। गल समझो जे बाबा जी जे पीर पढ़ लैन तो मरीदा की हो जाती तो फिर सहाबा इकराम पढ़न की लोड़ सी। गल समझो फिर नबी दे सहाबी आंदे ठीक है नबी पाक तू वड्डा कोई है वे पीर, और नबी पाक तू वड्डा कोई पीर है वे, बोलो यार हजूर तू वड्डा कोई
मुर्शिद पीर नबी पाक कहते साहब अगर अबू बकर ना पढ़ी तेरे से पढ़ छड़िया ने उम्र ना पढ़ी मैं पढ़ छड़िया ने हजू ने फिर मैं पढ़नी जे तो जे हजूर पढ़ीए साहबा ने पढ़ीए तो फिर सानू भी लाजमी ऐ नहीं मैं तेरे से पढ़ छड़ी तू ना पढ़ी नहीं अल्लाह दे वली वली ए कामिल वो अल्लाह की तरफ लैके आते हैं दीन की तरफ लैके आते हैं अगर इस मिंबर तो हक बयान ना किया जाए तो मिंबर वाला मुजरम होता है अगर अगू सुन के अमल ना करो तो फिर सुनने वाला मुजरम होता है मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई तो मैं तकरीर छड़न लगा रूमी कश्मीर बड़ी वड्डी गल की अज भी सैयद के दरबार पीर जमात अली शाह साहब के उरस आता है उलामा आते हैं नाथ खान आते हैं जिक्र रोजगार अल्लाह अल्लाह किया जाता है तो मियां मुहम्मद बख्श रहमत अब्दुल्ला अलैह ने कलम उठाई है आ फरमांदे ने जे तेनो रब दिल दियां अखियां देवे ते चानन होवे नूरों दिल दियां अखियां देवे ते चानन होवे नूरां ए वलियां ना हर शै नजरी आवे क्या नेड़े क्या थोरा बलियान बाबा जी बलियान बलियान ओए हर शै नजरी आवे क्या नेड़े क्या थोरो अल्लाह पाक अगे दुआ गोवा अल्लाह करीम मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपने पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए आमीन वमा अलैया इल्लल्लाह।